हम लोगों ने यहाँ पर 7 बैग रेडी करवा लिए और अभी आपका भाई रक्षे पे लेके जा रहा है। चले भाई, अल्लाह का शुक्र अपने घर पे पहुंच गए। अभी राशन के बैग उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रखवा अंदर जल्दी जल्दी। अली आप आ गए ट्यूशन से? जल्दी दोनों भाई हेल्प करो। इसने ना अभी बीच में ना एक बच्चे को मारा गली के अंदर। गली में से एक फैमिली जा रही थी बिचारी, एक लेडीज और उनका छोटा बच्चा, इसने टिका के टकरे मारी है। मार अब मुझे, मार इसको। साइड में कर रहा हूँ यार, ये बार बार बीच में जा रही है। चल भाई, मैं 5 मिनट जाकर लेटा था पर घर वाले सुकून से लेटने ही नहीं देते। अरे भैया डरा लेते, टामे टटर नहीं होते। हसन को भी पता चल गया है। अरे भैया घर वालों के काम ही नहीं खत्म होते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। आप लोगों को तीसरे रोजे की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मैंने तो सहरी कर ली। अगर मैं सीधी बात बताऊँ ना तो मैं निथा नींदों में, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ और मोबाइल को उठाऊँ और अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। आपके भाई ने सहरी करने के बाद ना फिर व्लॉग स्टार्ट करा। ये चेक करें, अब तो यहाँ पर हमारे बर्तन वगैरह धुल रहे हैं भाई, और बच्चा पार्टी हमारी फुल घोड़े बेच के सो रही है भाई। और अगर उनको उठा दिया जाए ना तो उसके बाद फिर मेरी नींद पूरी नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे भाई हमारे घर की लेडीज़ को सलाम है भाई। अभी मेरी वाइफ उठनी है, उसके बाद सुनेंगी थोड़ी देर जाके नमाज वगैरह पढ़कर, उसके बाद फिर दोबारा उठेंगी। अली स्कूल जाएगा ना, उसके बाद 7-8 बजे अली दोबारा ये फिर सुनेंगी, फिर 10-11 बजे 12 बजे अली वापसी। मतलब नींद तो पूरी होनी नहीं है रमजान में। बरकत वाला महीना, खैर भाई सवाब मुझे डबल ही मिलेगा भाई। मुझे नहीं लगता कि रमज़ानों के अंदर नींद पूरी हो सकेगी, क्योंकि टाइमिंग ऐसी हार्ड हो गई है, समझ नहीं आ रहा कुछ के व्लॉग किस तरह से एडिट करा जाए, किस तरह से अपलोड करा जाए। खैर बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है भाई। घर वाले ना बड़े मुश्किल मुश्किल काम दे देते मुझे। ये चेक करें, अब ये चिकन की हड्डियाँ वगैरह हैं, अगर हम डस्टबिन में डालेंगे ना तो बिल्ली आके सब कुछ गिरा देती है। अब हमें गली के कोने पर फेंक कर आना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ चेक तो करें भाई, अंधेरा गुप हो रहा है। जाहिर सी बात है अजान तो भी हो ही नहीं। चलो अभी फेंक कर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये चेक करें, ये जो है ना, ये इनसे बड़ा डर लगता है, इनकी बादशाहत होती है भाई। ये देखो कैसे चेक कर रहे हैं। अबे भाई कहाँ कचरा डालूँ, यहाँ पे तो नीचे नहीं डाल सकता यार, इसके अंदर ही फेंक देता हूँ निशाना लेके। ये लो, ये गलत है यार, बॉक्स होने के बाद भी ना लोग ज़मीन के ऊपर कचरा फेंकते हैं, गलत है ये। कैसा सन्नाटा हो रहा है, चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई अब नमाज की तैयारी करेंगे, ठीक है? आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। भाई काम बहुत सारे हैं, राशन वाले की कॉल आ गई है। फहद भाई राशन रेडी रखा हुआ, जल्दी से आ जाएं। हम एक काम करेंगे, कोने पे जाएंगे, वहां से रक्षा लेंगे, रक्षा लेकर दुकानदार के पास जाएंगे। 7 बैग हम लोगों ने आज उठाने, और मैंने एक बंदे को टाइम भी दे दिया कि आप थोड़ी देर में आके मुझसे राशन का बैग ले जाइएगा। भाई ऐसे ऐसे लड़के हैं मेरी उम्र के भी हैं बेचारे, जो जॉबलेस हैं और घर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने कहा जो मेरी नज़रों के सामने फ़िलहाल, उनकी तो हेल्प करी जाए, और जो नज़रों से दूर हैं वो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको कहा अपना नंबर छोड़ दें, इंशाल्लाह भाई रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और यहाँ पर भाई मेरी अम्मा जी की चारपाई लगा दी हमने यहाँ पर। अम्मा जी नीचे नहीं लेटा जा रहा था आपसे? मेरी अम्मा जी के घुटने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो अम्मा ने कहा बेटा एक काम करो, यहाँ पर चारपाई लगा दो ताकि मेरे ना उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा अम्मा जी अभी लगा देते हैं। अम्मा के लिए साइड में चारपाई लगा दिए। अब हम चलते हैं सबसे पहले दुकानदार के पास, वहां से राशन के बैग उठा लेते हैं, उससे पहले हमने रक्षा भी तो करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अली और हसन गए हैं ट्यूशन, हम चलते हैं राशन लेने के लिए। चलो भाई। इसने ना अभी बीच में ना एक बच्चे को मारा गली के अंदर। गली में से एक फैमिली जा रही थी बेचारी, एक लेडीज और उनका छोटा बच्चा, इसने टिका के टकरे मारी है। मार अब मुझे, मार। ओह तेरी, ये देखो ये देखो ये देखो, मार। ओह कैसा खतरनाक, आ आ आ, ओ ओ ओ, वो बड़ा खतरनाक है भाई, ये तो मुझे भी मार रहा है। हमारे ताहिर भाई माशाल्लाह से भाई, इनके गर्मा गर्म समोसे। ताहिर भाई ये सारे खाओगे अभी, जो आप अपनी दुकान से खाओगे भाई पैसे मैं दूंगा फ्री आपके लिए। बोलो, अफ्तार के टाइम नहीं, अभी 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 का टाइम है। बोलो, नहीं ये ऑफर अभी तक के लिए थी भाई, भाई नहीं लेना चाह रहे ये। बस क्या है, रक्षे रक्षे रक्षे, भाईजान भाईजान, गाड़ी के पेपर चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, मजाक कर रहा हूँ यार, कैसे हैं, खैरियत से? रोजा नहीं रखा? अबे यार क्या ये तो गलत है ना, रोजा क्यों नहीं रखा? कारोबार से ये रोजे का क्या लेना देना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं तो अपनी बना रहा हूँ, अपनी बना रहा हूँ। चले छोड़े यार, वो आपका मामला, अल्लाह का मामला है।
आदरत यार, अगर आपको बुरा लगो नहीं जाएंगे। ये पीछे गली में जाना है, यहाँ से राशन के बैग छुटाने। कितने पैसे लेंगे? कितने बैग हैं? कितने बैग हैं? सात। जो आपका चलेगा। चलो चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई भेड़िया, चलो भैया। पार्टी बाल तो बड़े टाइट बनाए हुए तुमने, ये जेल वेल लगाया हुआ है। गरीब लोग हैं। गरीब कहाँ से लोगे? मैं कौन सा अमीर हूँ? मैं पूछो क्या? यहाँ जाना भाई, या 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 या। भाई बोलने शोर क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी गरीब ही हूँ। ये भाई मुझे सीधा सीधा सीधा। ओए होए होए, बड़े टाइम बाद रिक्शे में बैठा हूँ, क्या मजा आ रहा है यार, अलग ही लाइफ है। गली तो चेक करें, इतनी छोटी सी गली है, इसके अंदर रक्षा कैसे जाएगा? डबल एट टीबल है भाई, जाने दो। ट्रैफिक पुलिस वाला बन जाऊं मुझे लग रहा है, सबके चलान काटूंगा। हट जा बेटा, हट जा, उड़ा देगा रक्षे वाला। मैं जब तुम्हारी उम्र में था ना, मैं भी ऐसे राधे वाले बाल बनाता था। ओए होए, क्या स्टाइल है भाई। बस बस भाई जान, स्टॉप, ये दुकान ये रही। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम, बैग रेडी है? चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह भाई सवाब भी कमा रहा है। हाय हाय हाय, लारा और लारा बंदा ले आओ भाई, ले आओ। चले देख कर आते हैं कहाँ रह गए राशन के बैग। कहाँ है भाई? अरे अकेले उठा रहे हो? पार्टी तुम तो लेकर आओ, तुम क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हें रोजा है? रोजा है? आकर कुछ खा रहा है? हो गए? चल लाइक मुझे भी दे दे। चलो भाई, हमारे सारे बैग हो गए भाई साथ। टकरे क्यों मार रहा भाई? चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना हो गया ये? 5, 6, 7 कंप्लीट हो गए भाई। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने यहाँ पर 7 बैग रेडी करवा लिए हैं, और अभी आपका भाई रक्षे पे लेके जा रहा है। अभी एक फैमिली है, उनको मैं कॉल करूंगा और वो मेरे घर से रिसीव करेंगी। चलें भाई, अल्लाह का शुक्र अपने घर पे पहुंच गए। अभी राशन के बैग उतारते हैं। पार्टी लेकर आओ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रखवाओ अंदर जल्दी जल्दी। अली आप आ गए ट्यूशन से? जल्दी दोनों भाई हेल्प करो, पार्टी यहाँ रखते रहो भाई। ये सारे एक एक करके उतारने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली कैसे उठा रहे हो? आपसे तो उठाया भी नहीं जा रहा। आराम से बेटा, इसमें ऑयल भी है, फट जाएगा। बोली माशाल्लाह से आप लोगों की सपोर्ट से कल 3 बैग गए थे, आज माशाल्लाह से 7 बैग रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन ब दिन अल्लाह ताला बरकत दिए जा रहे हैं, बैग्स की क्वांटिटी बढ़े जा रही है। मैं बहुत खुश हूं कि यार जो भी लोग मुझे सपोर्ट करें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। क्योंकि यार किसी बेवा को खाना पहुंचाना, किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, मैं बोलता हूं यार अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर देगा आप लोगों को इंशाल्लाह। और जो मुस्तहिक लोग हैं, हम ये बैग्स उन तक ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये सारा सामान ये मैं बाहर बांटूंगा, अभी आपको भैया बताएगा। ऐसे रमजान का महीना होता है, बरकत वाला महीना होता है। अच्छा, ऐसे नाराज बहुत खराब है ना, लोगो बहुत परेशान है। ऐसे हमें चाहिए, हम सबका ख्याल रखते हैं। समझ आ गया हसन? देखें भाई, माशाल्लाह से हसन को समझ में आ गया कि राशन वगैरह हम क्यों बांट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिनकी जॉब्स नहीं है, जो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, वो क्या करेंगे यार। ऐसे ऐसे मैंने चेहरे देखे, अल्लाह ताला बस सबकी मदद करे बस। पापा, जी मैं भी बांटूंगा। आप भी बांटोगे? अच्छा जाओ, एक उठा के बांट दो। देखें भाई बांटने जा रहा है, उठाओ अली। बांटने जा रहा है। नहीं नहीं, उठा लो, जाओ बांट कर आ जाओ। अरे भाई उठाया नहीं जा रहा, घसीट के लेके रख दो रख दो रख दो। अच्छा अच्छा भाई बांट देना। किसको बांटोगे? अच्छा बताओ किसको बांटोगे? गरीब को बांटोगे? अरे भाई मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ, मुझे बांट दो भाईजान, भाईजान। भाई एक भाई को टाइम दिया था मैंने, वो गेट पर आ गए मेरे। फिलहाल हम एक राशन का बैग उठाते हैं और उनके पास लेकर चलते हैं। ये ले भाईजान। साथ में बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यार। माशाल्लाह इस दफा यार हालात कैसे हैं भाई? इस बार हालात खाली आपके ही नहीं, यकीन करें सबों की बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। मैं खुद यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि यार बेचारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ख़ास तौर पर यार जब मैं नौजवान को देखता हूँ ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार हमारे मुल्क में हमारे बेचारे गरीबों के लिए काम नहीं है यार। बस यार बस क्या बताएं फाद भाई आपको, अल्लाह ताला आसानी करे। जानी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को बताओ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारी मुश्किल आसान करेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं 5 मिनट जाकर लेटा था, पर घर वाले सुकून से लेटने ही नहीं देते। अरे भैया डरा लेते, टामी टटर नहीं होते। हसन को भी पता चल गया है, अरे भैया घर वालों के काम ही नहीं खत्म होते। 150 रुपए के 12, और ये अमरूद 100 की आधा किलो, और सेब 150 रुपए का 1 किलो के 250। ये ले भाई, भाई से पूछते हैं कि ये केला जो दर्जन था ना, वो रमजानों से पहले क्या दर्जन था? क्या दर्जन था भाई?
150 रुपए था। अभी आप बोल रहे हो कि 70 रुपए था, 80 रुपए था, लोग खा नहीं रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये महंगा क्यों कर देते हो रमजान में? करते हम तो ला महंगा रहे, ला महंगा रहे हो भाई। भाई का कहना ये है कि हम लाई महंगा रहे हैं तो यार इसीलिए बेच भी महंगा रहे हैं। तुम खाओ नहीं हम लाएंगे नहीं, ऐसा ही है भाई। वो बोल रहे तुम खाना छोड़ दो हम लाएंगे नहीं ना हम बेचेंगे। अबे भाई गाड़ी मार देगी, इसको साइड में करना पड़ेगा। अली रुको जल्दी से, अली को साइड में करता हूँ। इधर खड़ो हसन, इधर खड़ो, आप इधर खड़ो, हिलना नहीं हसन। चलो भाई चलो 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 साइड में चलो चलो उधर भाई चलो उधर चलो चलो साइड में चलो वहां जाओ। इसको साइड में कर रहा हूँ यार, ये बार बार बीच में जा रही है। चल चल भाई एक बात बताता हूँ आपको पते की, कभी भी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाए ना पहले अपने दोस्तों को समझा दें। ये मेरा दोस्त है नवीन, हम इसको लेकर गए कबाब जिसके अंदर, ये वहां पर अंडा पराठा ढूंढ रहा था। अब मैंने बोला भाई क्या ढूंढ रहा है, इतनी देर हो गई मेन्यू में, हम लोगों ने जिंगर बर्गर ऑर्डर कर दिए, हमने सैंडविच ऑर्डर कर दिए, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये भाई जान अंडा पराठा ढूंढ रहा था। मैंने कहा यहाँ पर अंडा पराठा नहीं होता मेरे भाई। ये देखिए जब से हमने इसकी शादी कराई है ना ये बंदा गायब हो गया है, मिलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। घर पहुँचते पहुँचते ना अली और हसन को रोजा लगना शुरू हो गया है, तो इन दोनों ने कुछ फरमाइश करी है। क्या खाना है आप दोनों को? ततोली। ततोली क्या होता है चन? कचौड़ी। मोटू भैया मोटू भैया लाओ भाई गर्मा गर्म कचौरी दे दो इनके लिए भाई। ये लो भाई गर्मा गर्म कचौरी, घर जाके खाना। ये बच्चा ना खाली अपने खाने पीने के आइटम देखता है, और देखें सारा जो हैंडल पे से सामान उतारा ना, केले और ये क्रीम, ये अली ने उतारी है। ये बच्चा कोई काम नहीं करता। और ये मसाला किसने उतारा ये? मैंने। हाँ तो बस खाने का आइटम पकड़ा करो, अपने मतलब की चीजें पकड़ते हैं भाई। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अब नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अब आपसे मुलाकात होगी रोजे के टाइम। और फिर माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सज गया भाई। आज हम आपको बताते हैं क्या क्या आया है। ये ससुराल से बिरयानी आई है भाई, फ्रूट चाट बनाई है हमने, और ये दही बड़े हैं, ये जलेबी है, और ये पापड़ हैं, ये समोसे हैं, और हसन और अली हम दोनों को नाच सुनाएंगे आज माशाल्लाह। अली अब जल्दी से आप नाच सुना दें। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये चाहत है तेरे रास्ते में। सन आप सुनाए। मेरे प्यारे बाबा जान मेरे अरमान मेरे बरसे बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह माशाल्लाह का कमेंट तो बनता है भाई माशाल्लाह से। जिस तरह से बैग्स बन रहे हैं और जिस तरह से हम लोग लोगों को बांट रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अगर आप भी इस काम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप भाई का बैंक अकाउंट नंबर ले सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत तो उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर उसके हिसाब से हमारे दादा बैग बनते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जाते जाते लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।